यू भी क्यों नौ से उस वक्त की बड़ी खबर जहां पर छेड़छाड़ की पीड़िता ने थाना प्रभारी पर निष्पक्ष जांच करने का लगाया आरोप। जांच अन्य अधिकारी से करने की तहसील दिवस में लगाई गुहार। पीड़िता तहसील दिवस में एसपी को दिया शिकायत। योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं। योगी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है। योगी राज में पुलिस महिला अपराधों को रोकने की बजाय अपराधियों की संरक्षण देकर मुकदमे में सुलह करने का जबरन दबाव डाले और न मानने पर फर्जी मुकदमा लिखवाकर परेशान किया जाता है। ताजा मामला जनपद उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम होलासखेड़ा मजरा पोटरिया में छेड़छाड़ की पीड़िता ने पुलिस के ऊपर सुलह करने का जबरन दबाव हुआ। पीड़िता के भाई और पिता पर फर्जी मुकदमा लिखने का आरोप लगाया जिस पर पीड़िता और उसके पिता ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया ताकि उसके पिता और भाई पर फर्जी मुकदमा हटाया जाए एवं तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। न्यायोचित कार्रवाई के लिए अचलगंज थाना प्रभारी से जांच नहीं करवाना चाहता है पीड़ित, क्योंकि अचलगंज थाना प्रभारी द्वारा जबरन सुलह का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए जांच अन्य क्षेत्राधिकारी से करवाई जाए पीड़ित का कहना है। जबकि इस मामले में पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल में है। इसी मामले में लड़की ने बताया कि पुलिस ने पिता और भाई पर भी छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवा दिया। उसके बाद लगातार पिता और भाई पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर पीड़िता ने जांच अन्य अधिकारियों से करवाने का गुहार लगाई ताकि उसको न्याय मिल सके। उन्नाव से मोहम्मद इदरीस की खास रिपोर्ट। आपका क्या है आपका मामला? मैं ग्राम होलासखेड़ा की रहने वाली हूँ और हमारे साथ जो है हिमांशु नाम के लड़के ने छेड़खानी की और फिर उसके बाद में जब मैं अचलगंज थाने में गई वहाँ मेरी जो है मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। NCR लिखा गया था, मुकदमा लिखा गया पर बाद में लिखा गया था। उसके बाद में जो है कि हमारी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और वहाँ से हमें जो है कि जितने लोग हैं वहाँ की पुलिस लोग प्रधान सब एक ही में मिले हुए हैं और मुस्लिम की जो वाइफ पत्नी है उन्होंने मेरे पिता और भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया छिनारा का। आप क्या चाहते हैं? हम जो है कि हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और अचलगंज थाने